पूरा देश छठ पूजा में लगा हुआ है। वहीं डोईवाला में भी श्रद्धालुओं में छठ पूजन को लेकर उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर नहाए खाए शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से छठ उत्सव आरंभ होता है। इसमें व्रती दिन भर उपवास रखती है। संध्या काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया की पूजा की जाती है। नहाए खाए के दिन भोजन ग्रहण करने के बाद व्रती खरना पूजा तक व्रत उपवास रखती है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में सब्जी फल और फूलों का बहुत महत्व है। छठ पूजा के प्रसाद को एक दूसरे से मांग कर खाने को लेकर ये मान्यता है कि छठ का प्रसाद मांग कर खाने से भगवान सूर्य देव और छठी मैया के प्रति भक्तों की आस्था प्रकट होती है। प्रसाद मांग कर खाने से छठी मैया और सूर्य देव का मान सम्मान बढ़ता है। देखिए, जो छठ पूजा है ये हमारी आस्था का महापर्व है। हम लोग इसमें उगते और डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक निर्जल फास्ट होता है जिसमें महिलाएं बिना पानी पिए फास्ट रखती हैं। और यह चार दिन का फास्ट, ये चार दिन की पूजा होती है जिसमें नहाए खाए से स्टार्ट होता है, फिर अगले दिन खरना होता है, तीसरे दिन छोटी पूजा होती है जिसमें हम लोग डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं, और अगले दिन बड़ी पूजा वाले दिन हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। यह जो त्यौहार है बिहार झारखंड सभी देशों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर अब सभी हर जगह हर राज्य में हर देश में इस पर्व को मनाया जा रहा है, पर मेनली यह बिहार साइड में मनाया जाता है। और इस दिन सभी महिलाएं अपने घर परिवार अपने की सब शुभकामनाएं देती हैं, अब माता रानी से प्रार्थना करती हैं। इसी छठ माता को माँ कात्यायनी देवी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें निर्जल फास्ट रख के और सभी माताएं क्या होती है अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए बनाती हैं। और मैं छठ माता से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर परिवार देश हमारे को सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम सब पे एक हम लोग इसी तरह खुशियों से अपना त्यौहार सेलिब्रेट करें और हम ऐसी छठ माता के दरबार पे आए और सब माता रानी हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।